हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अभी तक में क्या फ़ायदा हुआ, क्या उनकी पेंशन राशि में वृद्धि करने के लिए जो मामला फंसा हुआ था उसमें किसी भी प्रकार का कोई फैसला आया या नहीं आया, क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन राशि में वृद्धि हुई या कुछ उससे संबंधित अपडेट है या नहीं, आज दिन भर के अपडेटों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल के डेट में सीबीटी की बैठक होनी थी, जहां पे ईपीएस 95 पेंशन धारक काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाए थे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन परिणाम ठीक उसके अपोजिट निकला। ईपीएस 95 पेंशन धारक जब गए सीबीटी के सदस्यों के साथ मुलाकात करने के लिए, तो वहाँ पे मुलाकात करने से मना कर दिए। जब इसकी भनक राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम को लगी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि करने के लिए कोई भी ठोस जो तो नहीं बनाया गया है ऐसा प्रोफार्मा की जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फायदा हो, तब सीबीटी के सदस्यों के से मुलाकात भी नहीं हो पाई और इधर राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तब वहां के पुलिस प्रशासन ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अपने गिरफ्त में लिया और साथ ही साथ में नजदीकी थाने में लेके गए। श्रम शक्ति भवन में वहां पे जिस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपने पक्ष को रखा, सरकार से पेंशन की मांग की, वहां पे बहुत सारे ट्विटर पे भी इस पिक्चर को दिखाया जा रहा है, बहुत सारे उसे भी दिखाया जा रहा है, और बाकी आप पीछे बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं, आपको ये भी पता चल गया होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने कितना ज़्यादा संघर्ष किया और संघर्ष के साथ में सरकार से अपने पेंशन की मांग रखी। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या किसी भी प्रकार का कोई अपडेट उससे निकल के आया या नहीं आया, तो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई अपडेट निकल के नहीं आया, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर मेडिकल सुविधा से संबंधित बात हुई है। फिर मेडिकल सुविधा वो किसी भी चाहे ईपीएस 95 पेंशन धारक हों चाहे दूसरे हों, उनसे बात हुई है। सभी पेंशनर्स को उच्च पेंशन की राशि दी जाएगी, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ऑप्शन फॉर्म को सबमिट करने से संबंधित और भी बहुत सारे उसमें बातें हैं वो हैं, और उसके आगे टीएनसी मतलब वही चीज़ है टर्म्स एंड कंडीशंस। तो मतलब इस प्रकार की दो चीज़ें बात हुई हैं और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं लाइव वीडियो भी तैयार कर रहा हूँ, लाइव वीडियो भी आप लोगों को लाइव फुटेज भी कुछ दिखा दूंगा सीबीटी के जहाँ पे बैठक हुई थी, यानी कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मन के अंदर में ये बात थी कि आगे आने वाले समय में जो सीबीटी की बैठक होने वाली है उस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई ठोस निर्णय या ठोस कदम उठाए जाएंगे जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन राशि मुहैया कराई जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आने वाले समय में देखते हैं क्या डिसीजन निकल के आता है, उसके ऊपर हम लोग आपको अपडेट देंगे। फिलहाल इस सीबीटी की बैठक से कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। अब मैं आपको दूसरे नंबर पर बात बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लाभ होगा या नहीं, अभी एक रास्ता और दिखाई दे रहा है सामने संसद के इसी सत्र में, क्योंकि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से समस्त जितने भी सांसद लोग हैं सभी को ज्ञापन दिया गया है, तो संसद के इसी सत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई अच्छी खबर सुनाई दे सकती है, दिखाई जा सकती है। फिलहाल दोस्तों, आपको यह जानकारी वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और एक निवेदन और है आपसे कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।